हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आयुषी बंसल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एनवाई बेक के प्रोडक्ट्स की कुछ रिव्यूज़। मैं इन प्रोडक्ट्स को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। ये जो मैंने लुक क्रिएट किया है मेरा ड्रामेटिक आई, ये मैंने एनवाई बेक के प्रोडक्ट से ही किया है। चलिए शुरू करते हैं। पहले मेरे पास है ये कोल काजल्स। मेरे पास दो शेड्स हैं कोल काजल्स के, एक है ब्लू और एक है वाइट। ये काफ़ी अच्छे कोल काजल्स हैं। ये है व्हाइट कलर के, ये देखिए बहुत इजीली ग्लाइड हो रहे हैं। अगर आपको दिखा होगा इनकी कॉस्ट भी बहुत कम है, ये सिर्फ 64 रुपीज़ के हैं। ये स्मज प्रूफ नहीं है, ये वाटर प्रूफ नहीं है, लेकिन ये आपके ड्रामेटिक आई को क्रिएट करने में बहुत हेल्प कर सकते हैं। और ये व्हाइट कलर का है और एक ये ब्लू कलर है। ब्लू कलर की भी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है, मैं दिखाती हूँ आपको। ब्लू कलर की पिगमेंटेशन भी देखिए काफ़ी अच्छी है। इनकी जो पैकेजिंग है वो इतनी कुछ अच्छी है नहीं। ये जो सिल्वर कलर से लिखा हुआ है ये बहुत इजीली हट जाता है, ये आप देख सकते हैं आधा हट चुका है। इसमें क्वांटिटी है इस प्रोडक्ट की, ये 2.5 ग्राम है। इसकी जो कोल पेंसिल है ये बहुत ज़्यादा थिक है, तो इसके लिए आपको अलग से शॉर्पनर खरीदना पड़ेगा। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है, ये आपके स्किन के लिए सेफ है। और ये जो मैंने आई शेडो क्रिएट किया है ये मैंने इसी कोल पेंसिल से क्रिएट किया है, तो आप इनके साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेरे पास एनवाई बे का कंसीलर। ये कंसीलर बहुत ही स्लीक पैकेजिंग में आता है, बहुत ही सिंपल है जैसे कि आप देख सकते हैं। कुछ पैकेजिंग प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक है इसका, बट जो मुझे एप्लीकेटर है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत फ्लेक्सिबल एप्लीकेटर है, आप इसको बहुत ही ज़्यादा इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो डिटेलिंग्स है वो इधर एंड में दे रखी है, आई होप आपको दिख रहा होगा। इसमें प्राइस दे रखा है, एक्सपायरी डेट दे रखी है, मैन्युफैक्चर डेट दे रखी है, 2 साल की आपको शेल्फ लाइफ मिल जाती है। यहाँ नीचे बॉटम में आपको स्टिकर दे रखा है इसके शेड का। मेरा शेड है इसमें कैरमल प्रेटजल, तो डेफिनेटली आप इस साथ जा सकते हैं। ये है 195 रुपीज़ का, आपको इतना प्रोडक्ट मिलेगा। एप्लीकेटर बहुत अच्छा है, तो अगर आप बिगनर हैं तो आप इसको ट्राई करके देखिए। इसका जो कवरेज है वो मीडियम कवरेज है, ये फुल कवरेज नहीं देता। दो लेयर आराम से अप्लाई करेंगे तो ये अच्छा खासा कवरेज आपको दे जाएगा। सो या आप इस चीज़ को भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आई शेडो, और ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है। इसका जो शेड है वो है Queen 7। काफ़ी अच्छी ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग है इसकी, ऐसे प्रोडक्ट आता है। इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा चौकी है, ये देखिए इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा चौकी है, तो ये बहुत मैसी हो जाता है। बट आप इसको एज अ हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने इसको भी हाइलाइटर की तरह यूज़ किया है। बट मुझे इसकी पैकेजिंग ओवरऑल बहुत अच्छी लगी इसकी प्राइस के अकॉर्डिंग। इसकी भी शेल्फ लाइफ है 2 ईयर्स और ये 125 रुपीज़ का है, तो आप डेफिनेटली इसको जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारे पास आईलाइनर। एनवाईबी का आईलाइनर है हमारे पास, ये 6 ml का प्रोडक्ट है, जेट ब्लैक कलर है। अभी मैंने यही अप्लाई कर रखा है। इसका जो ब्रश है इतना प्रिसाइज नहीं है, आपको इसके साथ लाइनर लगाने में थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होगी, और ये एक ही स्वाइप में बहुत अच्छा कलर दे जाता है। देखिए यदि आपको बहुत प्रिसाइज लाइनर लगाना है तो ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, इसकी अगर आपको ब्रशेस दिख रही होगी, नहीं तो मैं आपको फोटो अटैच कर दूंगी, ये फोकस नहीं कर पा रहा है फिलहाल। तो इसका जो ब्रश है वो इतना कुछ अच्छा है नहीं, तो ये कभी कभार बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। ओवरऑल अगर इसकी प्राइस के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये बहुत अच्छा लाइनर है। स्मज प्रूफ तो है ही, वाटर प्रूफ भी है, और इसमें इन्वेस्ट करना अच्छी बात होगी। ये मुझे 85 रुपीज़ का मिला है, तो आप बिल्कुल इसमें जा सकते हैं। 85 रुपीज़ में आपको 6 ml क्वांटिटी मिल रही है, ये काफ़ी अच्छी बात है, और अच्छी क्वालिटी का लाइनर मिल रहा है जो कि बिल्कुल भी स्मच नहीं होता और वाटरप्रूफ है। हाँ, इसका एक और ड्रॉबैक है कि ये ना सूखने में थोड़ा सा टाइम लेता है, इसको एटलीस्ट 30 सेकेंड्स तो चाहिए, बट जब ये सूख जाता है जी बहुत सुंदर लगता है, देख सकते हैं आप। अभी ये सूखा नहीं है प्रॉपरली, बट या यू कैन सी, तो ये बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ नेल पेंट्स, 3 कलर्स हैं मेरे पास। मेरे पास एक डुओ है, ये पिंक कलर, बेबी पिंक कलर, और एक ये मैटिफाइंग जेल।
ये ग्लॉसी है। ये दोनों प्रोडक्ट की क्वांटिटी आपको मिलेगी 5 ml। ये काफी बहुत प्यारा शेड है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये लगा रखा है, और 125 rupees के हैं, तो अगर आप देखें तो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ये 60 rupees कुछ का पड़ेगा। इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, जब मैं ट्राई करती हूँ ये बहुत आराम से 5 to 6 days आराम से लगे रहते हैं, तो मुझे इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। तो आप चाहे तो इनको भी ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए कि आप अफोर्डेबल नेल पेंट्स यूज करें जो 5-6 दिन टिक जाए, तो आप बिल्कुल इनके साथ जा सकते हैं। ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, 60 के आसपास कुछ पड़ता है ये। नेक्स्ट है हमारे पास ये नियॉन कलर की नेल पेंट। ये मैट नेल पेंट है, ये मैट नेल पेंट है। इसकी क्वांटिटी है 6 ml। अगेन ये 6 ml का प्रोडक्ट है। इसके यहाँ पे नीचे थोड़ी सी डिटेलिंग्स लिखी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट। इसकी भी शेल्फ लाइफ 2 years है, और ये 85 rupees का प्रोडक्ट है, और ये बहुत कूल लगता है। एज यू कैन सी इसकी जो पैकेजिंग है, इसको भी मैट रखा गया है, इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट है हमारे पास NYBA की न्यू मैट नेल पेंट है, ठीक है। ये भी मैट नेल पेंट है, ये है 9 ml की, और इसका आपको प्राइस मिल जाएगा 115 rupees। 115 rupees में आपको इतना 9 ml मिल जाएगा अच्छी क्वालिटी के साथ। इसकी पैकेजिंग बहुत प्यारी है, इसका ये जो कैप है ये ग्लिटरी है और ग्लास बॉटल है। इसकी भी शेल्फ लाइफ 2 years है। इधर भी आपको शेड लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इधर भी शेड लिखा हुआ है। ये शेड नंबर है 4 Liberty Breakdance। सो आप ये भी चेक कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ, देखिए सो यार गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया है तो इसको एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपको कोई क्वेरीज है या कोई क्वेश्चन है, आप नीचे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल ट्राई करूंगी आंसर करने का आपको। यदि आपको कोई सजेशन है मेरे चैनल के लिए कि मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ हमारे वीडियोज़ को, तो आप वो चीज़ भी मुझे बता सकते हैं, मैं बिल्कुल ट्राई करूंगी आपको रिप्लाई देने का और अपनी वीडियोज़ को और अच्छे से इम्प्रूव करने का। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग एंड वेस्टिंग योर टाइम गाइस, बाय।